मेरे साथ इन चंद लोगों ने उस परिवार से मुझे दूर करने का काम किया है और मुझे उस परिवार से अलग करने का काम किया है। नामांकन करने के बाद प्रत्याशी बबलू सिंह राठौर जब मीडिया से मिले तो उन्होंने बताया वह संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा से नामांकन कर रहे हैं और उनका चुनाव चिन्ह पतंग है जिसमें कई पार्टियां संगठित हैं। मैंने संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा से मैंने ये पर्चा दाखिल किया जिसमें लगभग 4-5 दल संयुक्त हैं, जैसे कि बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी जन अधिकार, जैसे कि ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM, जैसे कि बावन मेशराम जी की पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी और राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, कई पार्टियां इसमें समाहित हैं। तो मैंने सोचा कि एक भाईचारे को एक मिसाल कायम की जाए, तो मैंने ये संयुक्त मोर्चे से मन बनाया और मुझे लोगों का अपार समर्थन हुआ। भावुक होते हुए बबलू सिंह गोल्डी ने कहा कि भले ही कुछ दलालों की वजह से मुझे बहुजन समाज पार्टी से टिकट नहीं मिला, मैंने 20 साल पार्टी की सेवा की है और जाटव समाज का मुझे हमेशा सहयोग मिला है। देखिए, कहने के लिए तो ठेकेदारी सबने उठा रखी है, लेकिन मैं जिस समाज का बेटा हूँ तो मेरे समाज को पता है कि 75 साल की आजादी में किसी ने सम्मान दिया, जैसे कि कहते हैं कि गले लगाकर थाली परोस कर मुझमें लात मारने का काम किया, तो मेरा समाज इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और मेरा समाज मेरे साथ डोर टू डोर एक एक वोट डालने का काम करेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने बेटे को निर्दोष, मतलब यानी कि इस तरीके से इन लोगों को ठगने व इन लोगों से बचाएंगे और मेरा संपूर्ण साथ देंगे। उस दिन भी आप भावुक बहुत थे, आंखों में आंसू थे, आज भी स्थिति यही लग रही है मुझे, क्यों ऐसा इतना दर्द, क्या क्यों झलक रहा है? ये दर्द इसलिए है कि जिस परिवार में हम एक कहते जानवर पालते हैं, वो भी अगर 20 साल तक हमारे साथ रहे तो उसको हम छोड़ने में डर लगता है, क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य है। इन गद्दारों ने मेरी भावनाएं आज भी दलितों के साथ, जाटव जाति के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मैंने उनके साथ हर तरीके के सुख दुख मतलब महसूस किए हैं, उनके साथ हर तरीके से मैं परिवार के सदस्य की तरह रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ इन चंद लोगों ने उस परिवार से मुझे दूर करने का काम किया है और मुझे उस परिवार से अलग करने का काम किया है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि जिस तरीके से मुझे समर्थन मिल रहा है, मेरा परिवार मुझसे अलग नहीं है और वो मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि गोल्डी भाई आप चिंता ना करें, इस बार अगर आपको हाथी ने टिकट नहीं दिया है लेकिन हम आपको वोट देंगे, क्योंकि हमें बता कि तुम्हारे परिवार के सदस्य हो। इस बार भी जाटव समाज मेरे साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरा सहयोग कर रहा है। रो रो कर बबलू सिंह गोल्डी बोले, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ मेरी पार्टी ही नहीं थी, मेरा परिवार था। जिस तरह से मेरे साथ धोखा हुआ है और मेरा टिकट कटा, लेकिन आज भी मुझे बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है और उनका मुझे पूरा सहयोग मिलेगा क्योंकि वह मेरे परिवार के सदस्य हैं। जिस पार्टी को मैंने 20 वर्ष दिए, जिनके साथ मैंने दुख दर्द शरीक किया, जिनको मैंने अपने परिवार का हिस्सा माना, उन्होंने मेरे साथ छुरा भोंकने का काम किया, लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ कि जिस पार्टी का एक जाति समीकरण है वो मेरे साथ बहुत हद तक में है, क्योंकि वो मेरे दुख में शरीक है। उन्होंने कहा है, मुझे आश्वासन दिया है कि गोल्डी भाई आपने 20 साल हमारे परिवार के सदस्य की तरह काटे हैं, तो टिकट से दलाल लोग किसी को भी दे दें, लेकिन समर्थन में सहयोग हम आपका करेंगे। तो मेरे साथ खास तौर से जाटव जाति का वोट की सिंपैथी मुझे काफ़ी मिल रही है और वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और हमेशा मैं रीढ़ी रहूँगा कि इन दलालों ने मेरी भावना नहीं समझी, लेकिन वो मेरी भावना को समझ रहे हैं, जिससे कि मुझे उनके साथ जितने लंबे समय से मैं रहा और मैंने एक परिवार की सदस्य की तरह मैंने जीवन जिया, तो मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा और मैं उनसे निवेदन करूँगा, अगर आपको मेरा साथ देना है तो एक एक वोट पतंग के पक्ष में डालें और इन दलालों को मुँह तोड़ जवाब दें, क्योंकि मैं आपका परिवार का सदस्य हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, प्ले स्टोर पर जाकर क्या ये न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए।